दोस्तों, आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे पल आए होंगे जब आपको अपना फ़ोन ना चाहते हुए भी किसी को देना पड़ जाता है कुछ समय के लिए। तो आपके दिमाग में ये विचार जरूर आते होंगे कि अगला आदमी आपके फ़ोन में कर क्या रहा है, काश आप उसको देख पाते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन का स्क्रीन मिरर या आपके फ़ोन में क्या क्या हो रहा है वो आप अपने एक दूसरे फ़ोन में देख सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास दो फ़ोन है या किसी और का ही फ़ोन घर में एक एक्स्ट्रा है और आप अपना फ़ोन किसी को दिए हैं, अपना पर्सनल फ़ोन किसी को दिए हैं, तो आप देख सकते हैं उस दूसरे फ़ोन में कि अगला आदमी आपके पर्सनल फ़ोन में कर क्या रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको जाना है प्ले स्टोर में, आपके एंड्रॉयड फ़ोन के प्ले स्टोर में आपको जाना है। वहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा इंकवायर नाम का एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रहे, ये इंक्वायर नाम के एप्लीकेशन को आप अपने दोनों फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे। अब आप देखिए, इंक्वायर नाम के इस एप्लीकेशन को मैंने सर्च कर दिया है। इस तरह से कुछ खुलता है, आप इसका इंटरफेस देख लीजिए, पहचान लीजिए अच्छे से और इसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने दोनों फ़ोन में। जब इंस्टॉल हो जाए तो आप इसे ओपन करिए। ओपन करते ही आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। पहला ऑप्शन होगा शेयर का और दूसरा उसके नीचे ऑप्शन होगा एक्सेस का। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा दो फ़ोन है। इन सब चीज़ों से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका हॉटस्पॉट कनेक्टेड होना चाहिए दोनों फ़ोन में। मतलब कि अगर आप जिस फ़ोन से एक्सेस करना चाहते हैं उसका हॉटस्पॉट दूसरे फ़ोन के साथ, वाईफाई के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, हम एक फ़ोन में इसमें एक्सेस करते हैं। जब एक्सेस करेंगे तो एक आईपी जनरेट होगा, इस तरह से कुछ आईपी जनरेट होगा। अब हम दूसरे फ़ोन में एक्सेस पे क्लिक करेंगे और उस आईपी को वहाँ एंटर करेंगे। जैसे ही हम एंटर करते हैं और एक्सेस पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये कनेक्टिंग होने लगता है। जैसे ये कनेक्टिंग की प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है, आप देख सकते हैं कि दोनों फ़ोन का स्क्रीन एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम दिखा रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे मोटरोला के फ़ोन का स्क्रीन जो है वो सैमसंग में दिख रहा है। तो अब जो भी मोटरोला के फ़ोन में वर्क होगा हम सैमसंग के स्क्रीन में देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या हो रहा है। तो ये सिंपल सी प्रक्रिया थी, आप इसको यूज़ करके कर सकते हैं। और हमारे इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और हमें नए नए विचार दें, हमें नए नए कंटेंट्स के बारे में बताएं कि आगे हम आपको कैसी वीडियो लाएं। चलिए, धन्यवाद।